तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप सिर्फ एक बार बोलोगे और आपका कॉल उठ जाएगा। कहीं पे से भी आपका कॉल आता है और आप मोबाइल कहीं पे भी रखे हुए हो और कहीं पे बैठे हुए हो, तो सिर्फ आपको बोलना है एक बार, आपको फ़ोन को टच भी नहीं करना है, और सिर्फ बोलते ही आपका कॉल रिसीव हो जाएगा, कॉल उठ जाएगा और आप बिल्कुल आसानी से बात कर सकते हो। और आप सॉरी बोलोगे तो यहाँ पे कॉल कट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जिस भी नाम से, जिस भी चीज़ से सेट करोगे, वो चीज़ बोलोगे तो आपका कॉल उस रिसीव हो जाएगा और आपका कॉल कट भी हो सकता है वहाँ पे। जो भी आप सिस्टम से सेटिंग करना चाहते हो, उस तरीके से आप वहाँ पे सेट कर सकते हो। तो यही ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल मैजिक ट्रिक है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बट उससे पहले, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो का लाइक का टारगेट है सिर्फ 100 लाइक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि हमारी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों, यहाँ पर एक कमेंट करना है आपको, नाइस ट्रिक, वेरी नाइस ट्रिक लिख करके कमेंट कर देना। सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है कि इस ऐप को, छोटा सा एक एप्लीकेशन को मदद लेना होगा, जिसको मैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो इसका नाम है वानी ऐप। तो यहाँ पे इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो नाम, जैसे मैं हेलो लिख करके सेट करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट करना है सबसे पहले, और यहाँ पर स्टार्ट कर लेना है। और यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा आपको, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर यूज डेफुल लिखा होगा और चेंज का ऑप्शन लिखा होगा, सिंपली आपको चेंज का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे सभी ऑप्शन बताई जाएगी कि कैसे इनेबल करना है। इस एप्लीकेशन का आइकन दिख लेना है और इसको इनेबल कर देना है, ऑन कर देना है और बैक आ जाना है यहाँ से, ठीक है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से एक सेटिंग को अलाउ करना है और यहाँ से इसको भी इनेबल करना है, एक्सेबिलिटी को, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से सारी सेटिंग हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सारी सेटिंग होने के बाद आपको यहाँ पे नाम सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि कॉल आंसर का मतलब हुआ कि आपका कॉल आ रहा है जिसमें आप क्या सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, ठीक है। तो आप जैसे ही हेलो बोलोगे तो आपका कॉल रिसीव हो जाएगा, यानी उठ जाएगा और आप बिल्कुल आसानी से बात कर सकते हो। आपका कॉल आ रहा है, ठीक है। और आने के बाद आप लिख यहाँ पे बोल सकते हो नो। जैसे ही नो बोलोगे तो आपका कॉल कट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से बातें कर सकते हो अपने, जैसे कि मैसेज, यहाँ पे जैसे आपके फ़ोन पे मैसेज आता है, कुछ भी लिख करके आता है, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो। और आप कोई भी बंदा मैसेज करता है तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली यहाँ से रिप्लाई चला जाएगा, अगर आप सेट करते हैं तो अब जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे इससे ऑटोमेटिक साइलेंट, किसी भी नंबर को ब्लॉक, ऑटोमेटिक यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम बताने वाले हैं कि आपको कॉल को कैसे रिसीव करना है। जैसे ही आप हेलो बोलोगे तो आपका कॉल रिसीव हो जाएगा, नो बोलोगे तो कट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो कि सारी चीज़ें लिखी हुई है। गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही कॉल आएगा, आप हेलो बोलोगे तो यहाँ आपका कॉल बिल्कुल आसानी से रिसीव हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कॉल आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉल नो पे, जैसे नो यहाँ से बोलोगे तो आपका कॉल बिल्कुल कट हो जाएगा। ऐसे करके आप बिल्कुल आसानी से सेटिंग कर सकते हो। जैसे ही कॉल आएगा आप यहाँ से बिल्कुल जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर लाइव प्रूफ में आपको बता दिया, और यहाँ पे बिल्कुल आसानी से ऐसे ट्रिक को यूज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे थीम का यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा अच्छा थीम दी हुई है। तो आप अपने होम स्क्रीन पे, कॉल पे आपको थीम भी यूज कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पे दी हुई रहती है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, एक बार जो ट्राई कीजिएगा। इस ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।